तो गुरु मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ट्रेलर में कई सारी डिटेल्स हैं जिसे हम अपनी इस पार्ट टू वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी बकचोदी के डायरेक्टली पहला डिटेल एक नए कैरेक्टर को लेकर आता है जहां हमें कामर ताज में एक सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं। वहां हमें एक नया बीस्ट लाइक क्रीचर का भी ग्लिम्स नजर आता है जो की इंटरेस्टिंगली मार्वल कॉमिक्स के मिनोटॉर सॉर्सरर रिंतार है, जो की अब इस कैरेक्टर का फर्स्ट लुक हमें बहुत ही पहले देखने को मिल गया था मार्वल एक्शन फिगर में ही। मॉडो से अपनी एक और डिटेल निकल के आती है जहां इसने ट्रेलर में डॉक्टर साहब से आते ही माफी मांगी थी, मगर रीजन माफी का क्या था अभी भी वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। मैं मान के यही चल रहा हूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के वही वाले कर्मों को लेकर वो सॉरी होगा, लेकिन ठीक जैसे आगे टीज किया गया है हमें कि हमें नजर आता है कि मॉडो डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला कर रहा है, वो भी उस पोजीशन पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ ग्रीन मैजिक से बंधे होते हैं। और अभी भी ये अच्छा हो गया है, इस बात को लेकर मैं पूरी तरीके से मानता नहीं हूं, क्योंकि एमसीयू ने अपने हर जादू को किसी ना किसी कलर से एसोसिएट किया होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू जनरली ऑरेंजिश फील देता है, वांडा का जादू खूनी लाल है, डोरमामू का पर्पल, टाइम का ग्रीन और कैग्लियोस्ट्रो की किताब का जादू लाल से एसोसिएट होता है। तो जो कि मॉडो की छड़ी भी लाल वाली मैजिक से एसोसिएट नजर आ रही है और वो स्ट्रेंज को उस पोजीशन पे निहत्था मारने पे तुला हुआ है। तो सॉरी भाई लोग, मेरे को नहीं लगता कि भाई मॉडो पे अभी भी भरोसा करने लायक सही है। तो गुरु इसके अलावा टीजर में एक छोटी सी डिटेल अननोटिसेबल रह गई थी जहां पे जब नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज के दरवाजे खुलते हैं तो वहां में बैकग्राउंड में स्ट्रेंज के साथ दो जन नजर आते हैं, एक तो अमेरिका चैवेज और अब लेफ्ट साइड में कैरेक्टर्स के स्टिल फोटोज निकलने के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये स्ट्रेंज की प्यार क्रिस्टीन है। अब उसका काम यहाँ पे स्ट्रेंज के साथ क्या है, कई सारी बातें हो सकती हैं, क्या पता भाई कहानी पूरी बकचोदी इसी की वजह से फैली हो। इसके अलावा एक छोटी सी मगर बहुत ही ड्रामेटिक डिटेल ये निकल के आती है कि जब डॉक्टर साम नो वे होम का डायलॉग नरेशन में बोल रहे होते हैं जो उन्होंने पिक्चर में पीटर से कहा था कि इट वॉज दी ओनली वे, तो उसके बाद हमें स्ट्रेंज का ब्रूटली डिस्ट्रॉयड सैंक्टम सैंटोरम नजर आता है कि वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है जो कि खंडहर पड़ा हुआ था कई सालों से ऐसा लगता है, और इतना सारा पानी अभी देख के ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अभी ही फ्लड होना चालू हुआ है। और अब जो कि अभी अपनी रियलिटी की तरह तो नजर नहीं आता, स्ट्रेंज ये डायलॉग भी बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि ये सब कुछ हो जाए, पिछले टूटे हुए दरवाजे को रोटुंडा गेटवे भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी प्लेसमेंट किसी और स्थान पे स्थित है। मे बी यहां पे ये हो सकता है कि पूरा शहर डुबा दिया इन्होंने। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल अपने डिफेंडर स्ट्रेंज को लेकर आती है, क्योंकि जब हमें वॉन्ग का क्विक स्केट शॉट देखने को मिलता है तो वहीं उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का हेड बैंड के साथ वो नजर आते हैं, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो चिल्लाने की आवाज भी नजर आती है। अब देखो जो कि ट्रेलर में हमें डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले गए थे, मगर डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी ग्लिम्स हमें इसके अलावा छोड़ के नजर नहीं आता, और इस बात को मैं पुख्ता तौर से इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि महीनों पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टॉय मर्चेस भी आ गए थे जहां पे डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अवेलेबल नजर आते हैं। और अगर इस सीन को और डिटेल के साथ देखोगे तो बैकग्राउंड को देखकर पता चलता है कि ये और कहीं नहीं बल्कि नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज की प्राइम लोकेशन है। वहां स्ट्रेंज किसी तरह के स्टारशिप पोर्टल से गिरते हुए भी नजर आ रहा है जो कि पोटेंशियली अमेरिका चैवेस की पावर्स से ही एसोसिएटेड है। इसके अलावा जब डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले वांडा से मिलने जाता है तो उसके मुंह से एक डायलॉग ये जरूर निकलता है कि मुझे नहीं हमें तुम्हारी जरूरत है। तो मींस कि गुरु इस पोजीशन पे स्ट्रेंज कुछ टीम बना चुके होंगे, वोंग एज ऑलवेज तो रहेगा ही, चैवेस भी हो सकती है, विच मींस कि स्ट्रेंज एक सुपर हीरो टीम बना रहे हैं मल्टीवर्सल लेवल की। तुम इसके अलावा बताओ गुरु यार, इसके अलावा तुमने कौन सी और सारी डिटेल्स डिस्कवर की उसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताना, मे बी अगले वीडियो में तुम्हें देखने को मिल जाए। और हाँ गुरु लोग, अगर ये वीडियो पसंद आई और अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दो ना, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं।